हाय गाइस, दिस इज कैप्टन भावेश एंड वेलकम टू माय चैनल द स्ट्रगलर। आज हम बात करेंगे श्रुति महाजन मैम की कास्टिंग कंपनी के ऑडिशन प्रोसेस के बारे में, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको श्रुति महाजन मैम की कास्टिंग कंपनी के ही मेल्स, FB और इंस्टा प्रोफाइल शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि श्रुति महाजन कास्टिंग कंपनी की ओनर कौन है। ओनर खुद श्रुति महाजन मैम है, जैसा कि नाम में ही आप लोग को पता चल रहा होगा। और इन्होंने 2013 में अपना कास्टिंग कैरियर स्टार्ट किया था गोलियों की रासलीला, रामलीला मूवी से। बट उससे पहले भी श्रुति मैम शानू शर्मा मैम के अंडर असिस्टेंट कास्टिंग थी यशराज फिल्म में। 2013 में संजय लीला भंसाली सर ने श्रुति मैम को फर्स्ट मूवी कास्ट करने को दी थी, जिसका नाम था गोलियों की रासलीला, रामलीला। और उसके बाद से श्रुति मैम ने आज तक मोर देन 30 मूवीज़ की कास्टिंग की है। आइए चलिए उस मूवीज़ के बारे में भी जान लें कि किन किन मूवीज़ में श्रुति मैम ने कास्टिंग की है, जैसे भंगड़ा पाले, गुड न्यूज़, द जोया फैक्टर्स, जंगली, मलाल, सिटी ऑफ ड्रीम, चलो जीत है, परमाणु, द स्टोरी ऑफ पोखरण, पैडमैन, द टेस्ट केस, पद्मावत, बादशाहों, लिपस्टिक अंडर बुरखा, अकीरा, सरबजीत, रुस्तम, जय गंगा जल, बाजीराव मस्तानी, समिताब, मैरी कॉम, फाइंडिंग फैनी, रमैया वस्तावैया, चक्रव्यूह और बॉबी जासूस। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि गोलियों की रासलीला, रामलीला। तो इन सारी मूवीज़ की कास्टिंग की है श्रुति महाजन मैम। और अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, कि अगर हमें श्रुति महाजन मैम को अपनी प्रोफाइल सेंड करनी है तो कैसे सेंड करनी है। तो मैं आपको शेयर करता हूँ श्रुति महाजन मैम की मेल आईडीज, FB पेज, इंस्टा पेज। आप अपनी प्रोफाइल उन्हें वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियली मेल आईडी है श्रुति महाजन मैम की, आप अपनी प्रोफाइल इस पे अपनी शेयर करिए। और मैं साथ में उनकी FB पेज और इंस्टा पेज भी आपको शेयर करता हूँ कि आप अपनी प्रोफाइल हो सके तो इस पे भी शेयर कर सकते हो, और चाहे तो बात करने की कोशिश भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। तो ये बेसिक नॉलेज हो गई श्रुति महाजन मैम की कास्टिंग कंपनी के बारे में। बट अब मेन पॉइंट ये है कि उनके यहाँ ऑडिशन प्रोसेस कैसे होता है, तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले इनके यहाँ होता है इंट्रो। इंट्रो आपको देना कहाँ है, इंट्रो होता है आराम नगर पार्ट 1 में, जहाँ इनका ऑफिस है। मैं स्क्रीन पे इनका फुल एड्रेस दिखा रहा हूँ, आप लोग जाके ज़रूर वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो स्टार्टिंग में। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दिए, नेक्स्ट स्टेप ये है कि उनके जो असिस्टेंट है वो आपका इंट्रो चेक करेंगे, आपका लुक मैच करेंगे। अगर आपका लुक और इंट्रो बेस्ट है तो वो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल करते हैं। जब आप नेक्स्ट राउंड का ऑडिशन देते हो तो वो ऑडिशन श्रुति मैम के असिस्टेंट ही आपका ऑडिशन लेंगे। देन उसके बाद क्या होता है, अगर आपका ऑडिशन अच्छा हुआ तो फिर वो वीडियो श्रुति मैम के पास उनके असिस्टेंट भेजते हैं, फिर श्रुति मैम खुद देखती हैं। अगर मैम को अच्छा लगा, समझ में आया कि हाँ आपकी एक्टिंग सही है, तो वो फिर कॉल करेगा आपका, उनका असिस्टेंट आपको, और फिर आपका एक बार और ऑडिशन होगा श्रुति मैम के सामने। तो ये 3-4 स्टेप में होता है। उसके बाद वो अगर वो डायरेक्टर चाहता है तो वो आपको एक बार और ऑडिशन कराएगा, नहीं तो वहीं से आपको वो फाइनल कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है श्रुति मैम के यहाँ कि इनके यहाँ ऑडिशन कैसे होता है। बट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो इंट्रोडक्शन है। अगर आपका इंट्रोडक्शन बेस्ट है तभी वो आपको कॉल करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, नहीं तो फिर इंट्रोडक्शन पे ही आपका सारा फाइनल हो जाएगा कि कॉल आएगा कि नहीं आएगा। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको कुणाल अमशा वाले में, कि आपको इंट्रोडक्शन देते वक्त ऐसा दिखाना, ऐसा होना है कि लगना चाहिए कि हाँ लड़का कॉन्फिडेंस में है, या जो भी इंट्रोडक्शन दे रहा है वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि अपना इंट्रोडक्शन में कोई कमी ना करिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि और जो कास्टिंग डायरेक्टर उनका इंट्रोडक्शन अलग तरीके से होता है, और जो श्रुति मैम के यहाँ जो इंट्रोडक्शन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। क्योंकि हर जगह जहाँ इंट्रोडक्शन होता है वहाँ आपको खुद जाके बोलना पड़ता है, या माय नेम इज़ सो एंड सो, एज, हाइट, सब कुछ। बट श्रुति मैम क्या ऐसा कुछ नहीं, तो वो जो असिस्टेंट रहता है, आप कैमरे के सामने खड़े रहोगे और असिस्टेंट कैमरा लिया रहेगा, वो खुद आपसे पूछेगा सर आपका नाम, आपकी एज, आपकी हाइट। तो वो पूछता है, आपको बताना पड़ता है, वो आपसे हॉबीज पूछेंगे, मतलब आपका पूरा बायोडाटा एक तरीके से वो 2 मिनट की वीडियो में लेते हैं। तो ये एक थोड़ा सा वहाँ बेनिफिट है कि वहाँ का जो इंट्रोडक्शन होता है श्रुति महाजन मैम के यहाँ वो बेस्ट होता है। आप लोग कभी जाना तो ज़रूर देना उस तरह ऑडिशन। तो ये स्टोरी थी श्रुति महाजन मैम की, उनके यहाँ के ऑडिशन प्रोसेस की। और हम बात कर लेते हैं कि श्रुति महाजन मैम की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं।
तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में हैं जैसे बिग बुल आने वाली है, सिटी ऑफ ड्रीम्स 2 आने वाली है, और गंगूबाई है, सूरज पे मंगल भाई, मतलब 3-4 मूवी अभी उनकी अपकमिंग है वो आने वाली है। बस ये छोटी सी स्टोरी थी श्रुति महाजन मैम के कास्टिंग कंपनी के ऊपर, और मैंने आपको पहले ही मेल आईडी और एफपी इंस्टा सारा शेयर किया हुआ, आप लोग जाओ उनको फॉलो करो क्योंकि उनके एफपी पे रिक्वायरमेंट्स आती रहती, वो अपडेट करती रहती हैं, और उनके मेल पे आप अपनी प्रोफाइल शेयर करो। ओके, और बस जाते जाते आप हमें और हमारी द स्ट्रगल फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं दिए गए हुए पेटीएम नंबर पे। और बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जिनको श्रुति महाजन मैम के बारे में नहीं पता है, और कोशिश करिए कि ये वीडियो श्रुति महाजन मैम तक भी पहुंच सके, और कमेंट करिए कि हम नेक्स्ट किस टॉपिक पे बात करें, किस कास्टिंग कंपनी के ऑडिशन प्रोसेस के बारे में बात करें। और बस जाते जाते सब्सक्राइब करिए द स्ट्रगल फैमिली को। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।